So it helps a programmer to find the solution of a given problem without worrying about the technical details of any programming language. इन सिंपल वर्ड्स जो पाइथन है बेसिकली अब हमारे पास इतनी ट्रेंड में क्यों आ रही है, क्योंकि जो पाइथन है, पाइथन से जो हमारा कोड है वो बहुत कम हो गया है. लाइक नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स जो हैं वो बहुत कम हो गई है. जिस तरह से जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी लाइक सी, सी प्लस प्लस, नो डाउट दे आर वेरी पावरफुल, बहुत सारे फीचर्स हैं उनमें, बट पाइथन बेसिकली यूज़ करने का मेन मोटिव है कि लाइंस ऑफ कोड जो है कम हो गया बहुत, और जो फंक्शनिंग है वो आपको डबल मिल रही है. फंक्शनिंग जो भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, पाइथन रिसर्च में भी बहुत यूज़ हो रहा है. रिसर्च पर्पज़ के लिए पाइथन बहुत यूज़ हो रही है. अभी हम फर्दर देखेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ पाइथन बेसिकली यूज़ होती है. थोड़ा थोड़ा मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे बताया. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज पाइथन. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ऑफन एम्प्लॉयड इन स्क्रिप्टिंग टूल्स. सो आर यू क्लियर अबाउट व्हाट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोथ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इंटरप्रेटेड मीन्स लाइक जो भी आप काम करते हैं वो क्या होता है, साथ साथ चेक होता है. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है. जैसे यहाँ इंटरप्रेटेड वर्ड मैंने यूज़ किया, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जावा जो है वो भी तो इंटरप्रेटेड होती है. तो अभी हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि वेरियस डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा. मैंने बहुत कुछ इंक्लूड किया है इसमें. अगर कुछ फर्दर आप लोग तो पूछना चाहें तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, एक छोटा सा डिफरेंस बताया है कि प्रोग्राम और स्क्रिप्टिंग में, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है. सो व्हाट इज अ प्रोग्राम. प्रोग्राम एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन सो दैट कंप्यूटर कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क. कुछ भी काम को करने के लिए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बनाते हैं और उसको एक प्रोग्राम बोलते हैं. जो प्रोग्राम होता है उसको फर्स्ट हमें कंपाइल करना पड़ता है, देन द रिजल्ट ऑफ दैट जो भी हमारे पास आता है कंपाइल करने के बाद हम उसको रन करते हैं. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, इंटरप्रेटेड होती है, लाइन बाय लाइन चेक होती है. दूसरा, जो स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा हम कहीं अलग से ही लिखते हैं, अलग से ही चलाया जाता है उसे. इट इज़ अ कोड रिटन इन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट कोड टू कंट्रोल अनदर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज. सी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बेसिकली उनको यूज़ करने का मेन मोटिव है अपनी लैंग्वेज के साथ सम स्क्रिप्ट को यूज़ करना. लाइक वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर देयर लाइक जावा स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, वेरियस स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट जो हैं हम अपने कोड को और एफिशेंट और अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम पाइथन, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पाइथन. जो पाइथन है बेसिकली 90s में डेवलप्ड हुई थी, इन्वेंट हुई थी बाय गुडो वैन रोसम. जो इन्होंने नाम रखा था, एक्चुअली एक बहुत फेमस टीवी शो था जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, मॉन्टी पाइथन्स, इसके नाम पे इन्होंने पाइथन का नाम रखा था, नेम्ड आफ्टर मॉन्टी पाइथन. सो इट इज पाइथन इज अ ओपन सोर्स फ्रॉम बिगनिंग. इन पाइथन वेरियस पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सी, सी प्लस प्लस, जावा है, उनको भी हम पाइथन के साथ क्या कर सकते हैं, कपल कर सकते हैं. पाइथन में बहुत सारी, इट कंटेन बिल्ट इन लाइब्रेरीज फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड जीयूआई. सो पाइथन के बारे में देखो उसने क्या बताया एक सिंपल टर्म्स में. उसने ये लिखा कि इट इज एन एक्सपेरिमेंट. एक्चुअली व्हाट दे वांट, व्हाट ही वांट्स कि जो कोड है वो बहुत कम हो जाए और उसके लिए ज़्यादा हमें सोचना ना पड़े. लाइक पाइथन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं करते, जैसे ब्रेसेस है, सेमी कॉलन है, ये सब यहाँ यूज़ नहीं करना. हमारा जो सारा कंसेप्ट है ओवरऑल, हमारा जो इंडेंटेशन वो मैटर करता है. इंडेंटेशन यहाँ बहुत मैटर करता है. अगर इंडेंटेशन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो आपका कोड नहीं चलेगा.
डिस्कस करेंगे हम फर्दर स्लाइड्स में. टू मच फ्रीडम एंड नोबडी कैन रीड अनदर कोड. सिक्योरिटी भी पूरी दी है, बहुत कम है. मैंने बताया आपको कि पाइथन का जो कोड है वो बहुत कम हो जाता है. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ जो कोड है वो बहुत कम हो जाती है, जबकि जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें लाइंस ऑफ कोड जो होती हैं काफ़ी सारी हैं, ज़्यादा होती हैं. किसी का माइक ऑन है, आवाज़ आ रही है किसी की? सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द बेसिक वेरियस फीचर्स ऑफ पाइथन. दीज आर सम फीचर्स ऑफ पाइथन, लाइक इट इज इजी इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेसिव, फ्री एंड ओपन सोर्स. हम लोग अभी इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनका क्या क्या मीनिंग है हमारे पास पाइथन में. सो इजी मीन्स कि जैसे मैंने बताया पाइथन में एज सच कोई भी हम फॉलो एक्स्ट्रा रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इज एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेसिव मीन्स कि जब आप कोड लिखते हैं तो हमें मतलब क्लियर होता रहता है साथ साथ ही कि वो कोड करने क्या वाला है. फ्री एंड ओपन सोर्स बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि फ्री है और ओपन सोर्स है. नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने कंपैरिजन किया है पाइथन और सम अदर टूल्स यूज होते हैं बेसिकली. बट बेसिकली पाइथन को यूज करने का जो मेन रीजन है दैट इज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं. इसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता. नेक्स्ट इज हाई लेवल. हाई लेवल मीन्स प्रोग्रामर्स नीड नॉट वरी अबाउट वेरियस लो लेवल डिटेल्स. हमें कुछ भी प्रोग्राम के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट पोर्टेबल. पोर्टेबल मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. जैसे जावा में बाइट कोड का कंसेप्ट यूज़ होता है, वैसे ही सेम यहाँ यूज़ होता है कि वो बाइट कोड आप किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं. तो पोर्टेबल है, प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी आई थिंक रिकॉर्डिंग. बेसिकली आप C++ पढ़ के आए हैं, जावा पढ़ के आए हैं. इट सपोर्ट्स ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ हूप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पाइथन है. पाइथन प्रोग्राम्स कैन बी डिजाइंड अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच कंसनट्रेट ऑन द डेटा. और वेरियस प्रिंसिपल्स हैं हूप्स के थ्रू थ्रू सेम क्लासेज ऑब्जेक्ट्स, सब कंसेप्ट यहाँ पर पाइथन में भी यूज होंगे. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं द प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पाइथन एंड आर एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज कर सकना, बढ़ा सकना टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और जावा. नेक्स्ट इज एम्बेडेबल. एम्बेडेबल मीन्स जो भी आपके स्क्रिप्टिंग के फीचर्स हैं वो हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं. एम्बेड मीन्स मर्ज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. नेक्स्ट इंटरप्रेटेड. किसी का माइक म्यूट नहीं है, प्लीज चेक कर लो. सो नेक्स्ट इज एम्बेडेबल हमने किया. नेक्स्ट वन इज इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटेड मीन्स जो भी आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन चेक होता है, जिसके थ्रू जो कोड है वो हम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, प्लस सिक्योरिटी होती है. लाइब्रेरी प्रोवाइड किया है इसने, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी है. जैसे मैंने बताया कि रिसर्च पर्पज के लिए भी यूज होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको कि किस तरह की लाइब्रेरीज यूज होती है. GUI प्रोग्रामिंग. हम टोटली जितनी भी GUI प्रोग्रामिंग है लाइक जो इंटरफेसेस हमें सामने दिखाई देती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो सारी एप्लीकेशन यहाँ बना सकते हैं. डायनामिकली टाइप. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन. डायनामिकली टाइप मीन्स कि आपको कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं उनकी डेटा टाइप्स हम पहले से नहीं बताते हैं. जैसे जैसे वैल्यू यूज करेंगे वैसे वैसे उसकी टाइप गेट करता रहेगा डायनामिकली. यही जो फीचर्स हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किए हैं, तो एक बार गो थ्रू हो लेते हैं उसके थ्रू. मम्मी देख रही क्या बोल रही.
गलत क्या क्या सोच में कर यार। सो एनी डाउट टिल नाउ? If you have any doubt, then please ask me. So next is, why do people use Python? As I told you previously, the features of Python. So this is something I have written about Python basics. Python is object oriented. Object oriented means that is ki object oriented ke sare features yahan pe follow karti hai, polymorphism, operation overloading, inheritance and all. Indentation maine aapko bataya ki bahut hi important पार्ट है पाइथन में. इंडेंटेशन के बिना पाइथन का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता. अगर हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी इंडेंटेशन में तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली. फ्री है, ओपन सोर्स है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. पावरफुल, मैंने बताया आपको, डायनेमिक टाइपिंग है, बिल्ट इन है, लाइब्रेरी यूटिलिटीज हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी यूटिलिटीज जैसे न्यूमेरिक, नंपाई, स्काईपाई. ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स होते हैं. जैसे जो स्काईपाई है उसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर हैंडलिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड साइंस. एक इसमें पांडास भी होते हैं जो बेसिकली एनालाइज एंड मॉडल करते हैं किसको, डेटा को. टू एनालाइज एंड मॉडल द डेटा. देन हमारे पास नेक्स्ट है पोर्टेबल है. पोर्टेबल मीन्स कि आपको कहीं पर भी रन हो जाता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे. नेक्स्ट मिक्सेबल, जैसे मैंने बताया था एक्सटेंसिबल है. एक्सटेंसिबल मीन्स कि किसी के साथ भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ. इजी टू यूज है क्योंकि यहाँ बाइट कोड का कंसेप्ट है, तो इजीली आप कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं. इजी टू लर्न है, बिगनर्स के लिए भी बहुत आसान है इसको लर्न करना पाइथन को. सो नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन. फर्स्ट इज वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट. वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट पाइथन में हम लोग किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को बना सकते हैं वेरियस, विद द हेल्प ऑफ वेरियस फ्रेमवर्क्स. फ्रेमवर्क्स बेसिकली जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, दैट इज पिरामिड एंड डाइजेंगो. और भी बहुत सारे होते हैं फ्रेमवर्क्स. सेकेंड इज साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक. साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एज आई टोल्ड अभी, जो मैंने आपको बताया कि जो स्काईपाई है एक फ्रेमवर्क है, यूज करते हैं बेसिकली फॉर हैंडलिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड साइंस. पांडास एक फ्रेमवर्क होता है जो यूज होता है पार्लर कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन के लिए. हाँ जी, अभी मैं नेट बंद कर ले यार, जो बस वो हो गई एक बार कॉल कनेक्ट हो जाना हो गया. तो फिर जो तेरी जगह जो है वो तो नहीं चलेगा. दस जगह नहीं चलेगा तो एक जगह पूरी अच्छी से चलेगा ना.
सो नेक्स्ट इज एजुकेशन। इन एजुकेशन बेसिकली जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी लर्न कर रहे हैं, पावरफुल लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए, और फर्दर ऑप्शंस में आगे बहुत यूज होने वाली है, बहुत पॉपुलर है पाइथन हमारी। जो स्टूडेंट्स इसको लर्न कर रहे हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रियल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप जीयूआई, जीयूआई एप्लीकेशंस इस पे बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, कुछ भी सॉफ्टवेयर इस पे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज गेमिंग, गेम्स के लिए पाइथन बहुत फेमस हो रहा है, बहुत लाइक लास्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों ने गेमिंग पे बनाया भी है पाइथन के प्रोजेक्ट्स। सो नेक्स्ट, हु यूजेस पाइथन टुडे? पाइथन पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो पाइथन है आजकल के टाइम में कौन सी कंपनी यूज़ कर रही है और क्यों यूज़ कर रही है। ठीक है, तो मैंने कुछ एक कंपनीज यहाँ पे इंक्लूड की हैं, सबको नहीं, सारी इंडस्ट्रीज तो नहीं, बहुत सारी हैं, क्योंकि थाउजेंड ऑफ कंपनीज हैं, देर आर थाउजेंड ऑफ कंपनीज हु यूज़ पाइथन। सो आई हैव लिस्टेड अ फ्यू ऑफ दोज, कुछ एक को हम डिस्कस करते हैं, लेट अस सी हाउ दीज कंपनीज यूज़ पाइथन। ओके, सो फर्स्ट इज योर गूगल। गूगल जो है बेसिकली पाइथन को कैसे यूज करता है, इट इज पाइथन यूज टू प्रोवाइड बेटर सर्च फीचर्स टू इट्स यूजर्स। सेकेंड इज ड्रॉप बॉक्स, पाइथन यूजेस ड्रॉप बॉक्स फॉर सर्वर एंड क्लाइंट एप्लीकेशन हैव बीन कोडेड। नेक्स्ट एनएसए, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इट यूजेस पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड ऑल्सो फॉर इंस्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पसेस। नेक्स्ट इज बिट टॉरेंट, पाइथन यूज बाय बिट टॉरेंट टू शेयर फाइल्स बिटवीन द यूजर्स। नेक्स्ट इज नासा, साइंटिस्ट एट नासा यूज पाइथन टू प्रमोट साइंटिफिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट वन इज योर नेटफ्लिक्स, आई थिंक नेटफ्लिक्स आप लोग यूज भी करते होंगे बहुत। नेटफ्लिक्स जो बेसिकली है एक मशीन लैंग्वेज और कुछ क्लस्टर्स को यूज करती है, जिसके थ्रू आप ये देखते हैं कि कौन से यूजर्स को क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या प्रोग्राम या क्या मूवीज वगैरह वो देखना चाहते हैं। ये जो सब काम होता है ये पाइथन के थ्रू होता है, जो उनको सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब भी बहुत फेमस है, बहुत चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब को, बहुत सारे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। सो इट यूजेस पाइथन टू प्रोवाइड बेटर सर्चेस टू द यूजर्स। सो दीज आर सम कंपनीज हु आर यूजिंग पाइथन टूडे। नेक्स्ट, एक मैंने ग्राफ लिया है नेट से, जिसमें ये बता रहा है कि पाइथन और जो जावास्क्रिप्ट है वो कितनी फास्टली ग्रो कर रही है। ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो आपको क्लियरली वो बता रहा है कि जो पाइथन है वो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू देखो कैसे पता चल रहा है कि पाइथन जो है कितनी पॉपुलर हुई है प्रीवियस ईयर्स में, और अब वो कितनी पॉपुलर हो गई है 2020 में, और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो कैसे डाउन होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं हो रही है, बट जो पाइथन है वो बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है। नाउ सी द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। पाइथन जो बेसिकली है, जो आप हमारे बेसिकली सिस्टम्स आ रहे हैं जिन पे लाइनक्स है या मैक के जो है वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड होती है, बट जो विंडोज है उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास पाइथन नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, वो ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कल से हम इस पर टोटली प्रैक्टिकल ही करेंगे। आज तो जस्ट एक ओवरव्यू आपको मैं बता रही हूँ पाइथन का सारा। सो पाइथन के लिए ऐसा आइकन आ जाएगा जब आप इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करके जो ये एक ऑप्शन है इसको आपने टिक करना, एड पाइथन 3.7 टू पाथ। इसमें हम लोग एक वेरिएबल्स भी सेट करते हैं, कुछ एक जैसे जावा में होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का, तो
सेम पाइथन में भी होता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे करते हैं। आज तो जस्ट हम एक बेसिक ही करेंगे इंट्रोडक्शन हमारा जो है पाइथन का, कि पाइथन क्या है जैसे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पाइथन जब इंस्टॉल हो जाती है तो ऐसे आपको दिखाई देती है स्टार्ट मेन्यू में, कमांड लाइन पे है और जो भी हम आईडी पे काम करेंगे। सो नाउ हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन सी एंड पाइथन। सी और पाइथन में मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। कल की आपकी असाइनमेंट ही यही है कि आपने कुछ डिफरेंसेस ऑन सी एंड पाइथन एंड डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन प्रिपेयर करना है। आपको पता होगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू हैव अ टेस्ट ऑफ एमसीक्यूज। So now we will discuss comparison between C and Python. In C, developing code in C is complex, whereas in Python, it is easy. Indentation is not mandatory in C, whereas in Python, indentation is mandatory. जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं मैं वो रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपने आप से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सिर्फ आपके लिए है कि आप लोग रीड करें। ओके, सो नेक्स्ट वेरिएबल